अस्सलाम वालेकुम क्लास 5 एंड 6 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम योर टीचर मिस आफ्ता। आई एम टीचिंग यू अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। एज यू नो, बिकॉज ऑफ द कोविड-19 ओपनिंग ऑफ द स्कूल्स इज डिलेड, बट वी कैन कनेक्ट बाय आर वीडियो क्लासेस। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। ओके, हियर आई एम टेलिंग यू अबाउट टेंसेस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, past continuous tense and future continuous tense. First of all, present continuous tense. Present continuous tense is used to talk about something is going on at the time of speaking. यानी कि हम इस tense को कहाँ पर use करते हैं, यानी present में जब हम कोई काम कर रहे हैं, इस वक्त जो हम काम कर रहे हैं उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं। इसका फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें तीन यूज होते हैं, इज, एम, आर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है और उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है, एंड देन हमारा लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाता है। सेंटेंसेस देखिए, आई एम राइटिंग। एम का यूज सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होता है, उसके अलावा किसी भी और नाउन या प्रोनाउन के साथ नहीं यूज करते हैं। ही इज वॉचिंग टीवी। देखिए, ही के साथ इज यूज किया है। सिंगुलर नाउन जितने भी हैं, नाउन या प्रोनाउन, हम इज का यूज करते हैं ही और शी और इट के साथ। अब यहाँ पर देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था राइट, वॉच, रीडिंग, सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हमने आई एन जी का यूज़ कर दिया है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए। ही इज़ वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहा है। शी इज़ रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रही है। दे आर प्लेइंग गेम। अब यहाँ पर हमने आर का यूज़ किया है क्योंकि दे प्लरल है, ठीक है। प्लरल के लिए हम आर का यूज़ करते हैं। दे आर प्लेइंग गेम, वो गेम खेल रहे हैं। You are listening my lecture. You singular के लिए भी use किया जाता है और plural के लिए भी use किया जाता है, लेकिन दोनों सूरतों में हमने आर का ही use करना है। You are listening my lecture. आप मेरा lecture सुन रहे हैं। तो ये था present continuous tense. Main इसकी पहचान क्या है? Verb की first form के साथ ing तो सब में आ जाता है, लेकिन helping verb इसकी खास पहचान होती है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इस एम आर का यूज़ सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में किया जाता है। अब आप यहाँ पर देखिए, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ किया गया है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज है। और अब फ्यूचर को देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ किया गया है, लेकिन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया गया है। यानी कि इन तीनों टेंसेस में एक चीज़ कॉमन है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ किया गया है। उसके अलावा जो इन चीज़ों को, जो इन तीनों टेंसेस को अलग अलग पहचान देता है, वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का क्या था? इज, एम, आर। पास्ट कंटिन्यूस का है वाज एंड वर। और फ्यूचर कंटिन्यूस का है विल बी। तो अब हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट समथिंग वाज गोइंग ऑन एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। वो बात जो पास्ट में किसी एक खास टाइम पर हो रही थी, उस वक्त वो काम कंटिन्यूस, मतलब कंटिन्यू था उस वक्त वो काम। कंटिन्यूस का मतलब होता है कंटिन्यू होना, जारी रहना। तो पास्ट में वो काम जो जारी था उस वक्त एक खास टाइम में, उसे कहते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका फॉर्मूला सेम है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ और सिर्फ हमने वाज और वर्ब की चेंजिंग की है, हमने नहीं किया, इसका रूल है। आई के साथ वाज यूज करना है, सिंगुलर्स के साथ वाज का यूज़ होता है और प्लरल के साथ वर का यूज़ होता है।
सेंटेंसेस देखिए, आई वॉज मेकिंग अ कप ऑफ टी, मैं चाय का एक कप बना रही थी। ही और शी वॉज रनिंग फास्ट, यहाँ पे ही और शी दोनों के लिए वॉज का यूज़ होगा। यू वर क्लीनिंग योर बाइसाइकिल, दे वर फाइटिंग टेरिबली, यहाँ पर यू और दे दोनों के साथ वर का यूज़ किया गया है। क्यों? क्योंकि दे तो प्लरल है, लेकिन यू सिंगुलर और प्लरल दोनों में यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके साथ वर का ही यूज़ होता है। अब हम आते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की तरफ। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट समथिंग विल बी गोइंग ऑन एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर, ऐसा काम जो कि फ्यूचर में एक खास वक्त में हो रहा होगा उसे कहते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। सेम फॉर्मूला है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब है इसका विल बी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब याद रखने हैं कि पास्ट का कौन सा था, प्रेजेंट का कौन सा है और फ्यूचर का कौन सा है। अब सेंटेंस देखिए, आई विल बी प्लेइंग इन द इवनिंग, मैं शाम को खेल रहा होंगा या खेल रही होंगी। ही और शी विल बी वॉचिंग मैच टू नाइट, वो रात को मैच देख रहा होगा या देख रही होगी। माई मदर विल बी कुकिंग एट 8 o'clock, मेरी मदर जो हैं वो रात को 8 बजे कुकिंग कर रही होंगी। दे विल बी फ्लाइंग काइट्स टुमारो, वो कल पतंग उड़ा रहे होंगे, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है। तो ये थे तीनों टेंसेस। अब एक और काम इसमें जो हमने करना है वो है इसको नेगेटिव और इंटरोगेटिव में चेंज करना है, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। वो कैसे है देखिए, यहाँ पे मैंने चेंजिंग कर दी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट का यूज़ करेंगे और हमारा सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से पास्ट में हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट का यूज़ करेंगे और हमारा सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से, नेगेटिव करते हैं इसको। आई एम राइडिंग, तो हम इसको कैसे कर देंगे, आई एम नॉट राइडिंग। ही इज़ नॉट वॉचिंग टी वी, शी इज़ नॉट रीडिंग अ बुक, सब में हमने नॉट का यूज़ कर देना है तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव में चला जाएगा। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, आई वॉज नॉट मेकिंग अ कप ऑफ टी। देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद वॉज के बाद हमने नॉट का यूज़ कर देना है। लुक एट हियर, आई वॉज नॉट मेकिंग अ कप ऑफ टी, ही वॉज नॉट रनिंग फास्ट, यू वर नॉट क्लीनिंग योर बाइसाइकिल, दे वर नॉट फाइटिंग टेरिबली। इसी तरह से हमने ये किया था, यहाँ पे मैंने नॉट रिटर्न में नहीं लिखा था, अब मैंने लिख कर आपको यहाँ पर दिखा दिया है। ओके, यहाँ पर फ्यूचर में एक थोड़ी सी चेंजिंग की है, सिर्फ क्या किया है हमने विल और बी के दरमियान में हमने नॉट लगाना है। नेगेटिव बनाने के लिए विल बी हमारा हेल्पिंग वर्ब था ना, तो हमने विल नॉट बी कर दिया है। ठीक है, आई विल नॉट बी प्लेइंग इन द इवनिंग, ही विल नॉट बी वॉचिंग मैच टू नाइट, माई मदर विल नॉट बी कुकिंग एट 8 o'clock, दे विल नॉट बी फ्लाइंग काइट्स टुमारो। तो अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, यानी वो सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, अपना हेल्पिंग वर्ब पहले ले आते हैं, यानी सब्जेक्ट से पहले, सिर्फ ये चेंजिंग होती है कि हेल्पिंग वर्ब को बस हम बाहर ले आते हैं। आई एम राइडिंग, तो इसका क्या हो जाएगा, एम आई राइडिंग, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, इज़ ही प्लेइंग फुटबॉल, दोनों में देखिए हेल्पिंग वर्ब हमने सब्जेक्ट से पहले ले आए हैं। इसी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी हम अपना हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। आई वॉज मेकिंग अ कप ऑफ टी, तो हमने इसको कैसे करना है, वॉज हम यानी हमारा हेल्पिंग वर्ब उसको हम पहले ले आए सब्जेक्ट से। वॉज आई मेकिंग अ कप ऑफ टी, क्या मैं चाय का एक कप बना रही थी। यू वर क्लीनिंग योर बाइसाइकिल, तो इसको हमने कैसे करना है, वर हमने अपना हेल्पिंग वर्ब पहले ले आना है सब्जेक्ट से। यू वर क्लीनिंग योर बाइसाइकिल, क्या तुम अपनी बाइसाइकिल साफ कर रहे थे।
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में एक थोड़ी सी चेंजिंग है, विल बी के दरमियान में हमने अपना सब्जेक्ट लाना, यानी विल पहले आ जाएगा, देन हमारा सब्जेक्ट आएगा और फिर बी आएगा, फिर बाकी सेंटेंस उसी तरह से। सेंटेंस हमारा बना विल आई बी प्लेइंग इन द इवनिंग, यानी विल और बी के दरमियान में हमने अपना सब्जेक्ट लिखा, यानी विल आई बी प्लेइंग इन द इवनिंग, क्या मैं शाम को खेल रहा होंगे या होंगी। He will be watching match tonight. क्या वो शाम को मैच, रात को मैच देख रहा होगा। तो देखा आपने will subject be, will subject be, ये थोड़ी सी चेंजिंग है। ओके, आई होप कि आपको ये टेंसेस समझ आ गए हैं। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप स्कूल आकर मुझसे समझ सकते हैं। ओके, टेक केयर क्लास, अल्लाह हाफिज़।